नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह ग्रीन उल्लास क्रीन उल्लास के तर्ज पर हम लोग पैनल क्रमांक 6 में यात्रा निवास गार्डन में कभी रोटरी क्लब द्वारा और बहुत सी संस्थाओं द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है और हर साल उसकी संभाल की जाती है और उसको बढ़ाकर इस पर्यावरण में हमारा योगदान क्या है वो हम लोग इसको उपयोगी सिद्ध करते हैं। आज यहाँ पर पैनल क्रमांक 6 में यात्री निवास गार्डन में हमारे दिलेर मेहंदी की सर्वे सर्वा हीना शाहजादपुरी जी, हमारी बीजेपी की महासचिव मंगला चांडा जी, मंडल अध्यक्ष विकी मेंघवानी जी और हमारे JSS संघर्ष समिति के सर्वे फाउंडर दीपक रंगीला जी द्वारा यहाँ पर सब लोग, मैं महेश सुखरामानी द्वारा और हमारी पूरी टीम द्वारा यहाँ पर सब लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया है। मैं आज उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसी प्रकार का पर्यावरण की रक्षा का कार्य पूरे शहर में वो अपने तरफ से करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं उनको। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। असांजे सांसद शंकर लालाणी सिंधी सेवक जी असां हुकुम दिनों तो 40 साल धूमधाम से मल्हाया वाले प्लांटेशन के पॉल्यूशन जी खराब थी वो उनके सुधारण लाए, पर उन सांसद के आह्वान का असांजे सिंधी काउंसिल जे महेश सुखरामानी साहब, असांजी हीना शहजादपुरी भेण, असांजी जय झूलेलाल संघर्ष समिति टीम सजी इतने पहुंती, इतने वृक्षारोपण थो, सभी इन में सहभागी थे। मैं सभी आभार और धन्यवाद तो क्या इतने अची कर उन्होंने सुठो कम किया है और तुम जिते भी हो देश के कड़े भी कुंड कुर्श में प्लांटेशन कर हरित क्रांति आणो। जय झूलेलाल। साईराम, आजकल के दूषित पर्यावरण में हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस बात को मद्देनज़र देखते हुए और एक नागरिक होने के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज उल्लासनगर से हम लोग श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारे भाई शंकर लालवानी जी की सिंधी सेवक टीम की तरफ से यहाँ पर वृक्षारोपण का एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग किस्म के वृक्षों को लगवाया गया है और हम लोग यहाँ पर आके बीच बीच में उनकी देखभाल भी करते रहेंगे। आप सभी नागरिकों से निवेदन है कि जहाँ हैं वहाँ एक तुलसी का पौधा भी अवश्य अपने घरों में लगाएं। मैं हीना शहजादपुरी दिलेर सिंधी चैनल की तरफ से सबको ये अपील करती हूँ कि क्लीन उल्लास ग्रीन उल्लास मुहिम में अपना सहभाग ज़रूर दें। जय झूलेलाल। की तरह इस साल भी यात्री निवास में वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और शुक्रगुजार है सबका। और जो हर साल वो रंगीला भाई की टीम, महेश सुखरामानी सर और पूरी इनकी जो यात्री निवास में जो सेवाधारी हैं सब मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं और वृक्षारोपण करने के बाद में भी वो उनका ध्यान रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जैसे वो संभाल रहे हैं। और आज यात्री निवास में पूरा हरा भरा पूरा गार्डन है जहाँ पे सीनियर सिटीज़न आते हैं, बैठते हैं और आनंद लेते हैं हरियाली का। और आज हमारी मैडम हीना शहजादपुरी मैडम, जो दिलेर सिंधी की चेयरपर्सन है और सत्यसाई ट्रस्ट भी उसमें भी वो शामिल है महिलाओं टीम में, और हमारी बीजेपी की टीम, हम सब ने मिलकर यहाँ पे वृक्षारोपण किया। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही हर साल हमें निमंत्रित करें कि हम लोग आएँ और आपके साथ सेवा का मौका हमें भी मिले। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।